हेलो स्टूडेंट, एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है और मैं लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा चेंजेस हुआ था। आंसर में थोड़े बहुत ना पॉइंट्स के मिस्टेक्स रह गए थे, उसको मैं दोबारा क्लेरिफाई करता हूँ सो दैट सेम क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो आप एरर ना करो उसके अंदर। सर क्या क्या रह गया था वो देख लेते हैं, जैसे कि और हमने क्या किया। ठीक है सर, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, क्वेश्चन पेपर सेकेंड, इसमें कोई भी एरर नहीं था, क्वेश्चन पेपर आपको होगा आपके पास। इस वाले क्वेश्चन नंबर टू में काफी बच्चे कह रहे थे सर एक पॉइंट रह गया इसके, बिल्कुल एक पॉइंट रह गया था। वो पॉइंट क्या था, यहाँ 100 जो लिया था ना, यहाँ 95 लेना। सर 95 कैसे आता, आप ना जैसे कि जो रेट था ये वाला था, इसका 20% निकालो, तो इसका 20% था ना आपका यहाँ, 20% यहाँ, तो ये था। इसके बाद मैंने यहाँ हर जगह चेंजेस कर दिया है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसका पीडीएफ अगेन टेलीग्राम और हमारे चैनल पे डल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर जो ये वाला एरर मैं बता रहा था वो मैंने करेक्ट कर दिया, और ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिखा दिया। बच्चे कह रहे थे सर दोबारा ही कर दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन फोर में कोई एरर था ही नहीं, एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर फोर के और में थोड़ा सा एरर था, यहाँ 79 है, तो 79 इनपुट था हमारा इंटरव्यू, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में कंप्लीट था, कंप्लीट जाना था हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में। इसको एक यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में नेक्स्ट लाइन में कर, है ना, प्रोसेस में कंप्लीट जाना था। तो कैसे आया 7100, 800 हमारा ओपनिंग का था, है ना, 800 हमारा ओपनिंग का था और ये 71 बन गया इस तरीके, ठीक है ना, ये सारा 70। तो इसका एक बार टोटल भी चेंज हो गया ये, ठीक है, और एलिमेंट कॉस्ट भी चेंज आ गया, पहले पॉइंट में आ रहा था बैकोरेट आ गया। इसके बाद पर एलिमेंट कॉस्ट भी मैंने सेम प्रोसेस में निकाल दिया, ये 7100 है, ठीक है, ऊपर से। इसके बाद आपका प्रोसेस अकाउंट है, और प्रोसेस अकाउंट में ये सारा, ये 49700 है, यहाँ से लिया 49700 ये लिया हुआ है। चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव में कोई एरर नहीं था, हमने पहले भी ठीक किया था। कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये यूनिट कैसे आया, तो मैंने बताया इसको 30,000 से डिवाइड किया है और यहाँ पे इसको 20,000 से डिवाइड किया, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर, रिकंसिलेशन में एक छोटा सा था, यहाँ 800 से डिवाइड होना था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है और यहाँ भी पूरा करेक्ट कर दिया। पेपर में जो भी थोड़े बहुत एरर रह गए थे बस आप उसको चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से आगे करिए, तो बस आपको यही बताना था। और इस सारे के सारे आंसर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, शिक्षा धाम टेलीग्राम सर्च करेंगे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें, मैंने सारी चीजें बता दी, थोड़े थोड़े एरर हैं और जो पहले वाला है वही है, आप इसको मैच कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।